हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं कि आज के लिए रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस, और इन जनरल आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव It is safe for you to love. दो आए हैं, दोनों भी लेंगे। Religious factor and stay optimistic in your love life. एक last and this could be the one. काफ़ी हद तक specific message है कि this is safe for you, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive lightest energy of all. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek, and stay optimistic in your love life. Positive thinking and faith will bring you romance and religious factors. खास करके ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसे thought process जहाँ पे बहुत religion हो, traditions हो, sorry for the background noise, तो वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर्स या कुछ ट्रेडिशनल या रिजिड थॉट्स की वजह से आपके बीच में सेपरेशन आया हुआ है या आ चुका था। उसके बारे में वो कुछ, मतलब जिस तरह से आपको साइन एंड सिम्टम सिग्नल्स मिल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं बना है, क्या सही है, क्या कुछ भी जो आपके मन में डाउट्स थे, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक स्पेसिफिक मैसेज है कि यही पर्सन है जो आपके लिए बना है, ये पर्सन आपके लिए सेफ है और आपको अपनी रिलेशन में, लव लाइफ में, मानो कि जनरल रीडिंग है बट ऐसा है कि जो भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है कि अब भी आपके हक में सिचुएशन हो नहीं रही या आपको कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी है, तो प्लीज़ बी केयर, मतलब स्टे ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि आप ही अपने रिलेशन में ब्लॉक क्रिएट्स कर रहे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, तो वो चीज़ शायद कुछ ब्लॉक क्रिएट करे। तो यूनिवर्स का कहना है थोड़ा एक वक्त दीजिए कि चीज़ें आपके सामने खुल रहेंगी, क्योंकि यही पर्सन है जो आपके लिए बना है। बस ये पर्सन के लिए आप में जो चेंजेस लाने हैं अपने आप को, उसी के लिए ऊपर आप काम करना है। जैसे कि आपको पॉजिटिव रहना सीखना है किसी भी हालत में, अपने ऊपर काम करना है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। तो देखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज हैं आप लोग को, लाइक कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप, योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। आपकी आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा, आपकी आवाज़, आपकी बातें बहुत मिस की जा रही है, तो कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। You always take a pain away. आप उनके जैसे दर्द ही ठीक कर जाते हो, दर्द खींच लेते हो लिटरली। You are my other half. आप उनकी other half, एक soul connection की vibe दे रहा है कि आप उनके दूसरे हिस्से हो, जैसे कि एक ही दिल के दूसरा टुकड़ा हो, एक twin flame connection की भी vibe दे रहा है। You would travel long distance just to see me. क्या आप ऐसे करते थे कि आप बहुत दूर तक, मतलब कितना मेहनत से बस उनको देखने के लिए, मिलने के लिए इतना मेहनत करते थे, लाइक ना इतना दूर से आना हो या मुश्किलात से आना हो, अभी वो चीज़ काफ़ी हद तक मायने रख रही है। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। आपकी यादों में खोए है कि आपकी आंखों की चमक, उसका प्यार, वो चीज़ इतनी खास है ना कि लिटरली दिन बना देता है। आज सुबह का मेल मुझे याद आया कि लाइक मेड माई डे, काफ़ी हद तक है। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। आपसे दूर रह पाना मुश्किल इन्हें नामुमकिन जैसा फील हो रहा है। लेट्स सी, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। पहले नहीं बने थे लेकिन अब भी बन गए हो। इट वॉज ऑलवेज यू, आप ही हमेशा आप ही थे।
आई एम हिटिंग माई सेल्फ टू लीव यू. मैंने कहा ना कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ फंसे हुए हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करे कि क्यों छोड़ा आपको. यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस. आप उनको आपके बारे में जैसे सोचते ना, लिटरली उनके फेस पे एक स्माइल आ जाता है. बहुत पॉजिटिव है. हीलिंग, जिन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो शायद बीमार हो या किसी चीज़ में हो जिसकी वजह से एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं. मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. डू यू स्टिल लव मी? आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ खामोशी है, सन्नाटा है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपकी प्रोफाइल एक्टिव नहीं है, बट एक एनर्जी नहीं मिल रही है. तो उसके लिए लग रहा है कि डू यू स्टिल लव मी? आप उनके अभी भी प्यार करते हो क्या? डिवाइन काउंटरपार्ट्स एक दूसरे के लिए बने हो भाई. ऊपर वाले की लिखाई जोड़ी है. एंड ड्रीमिंग अबाउट यू. यस, ये जो फीलिंग है ना, ये है ड्रीमिंग अबाउट यू. ही विल और शी विल कम इन योर ड्रीम्स. आपके सपनों में आ सकते हैं. आपको कुछ कहना चाहते हो, आपको फील करना चाहते हो. लिटरली एक्साइटेड बहुत है ना. बहुत मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा बहुत अजीब लगा ये ड्रीमिंग अबाउट यू सर. 24/7 सुबह भी है और रात को भी आपके सपने हैं. आप ख्यालों में हो, उनके दिलो दिमाग में हो. एक्साइटेड, लेट्स सी. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.